नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि वर्ग 3 से संबंधित थी, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड, और इंतजार था कि आज मेरिट लिस्ट आ जाएगी और मेरिट लिस्ट के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन और नियुक्ति की प्रोसेस होगी वह प्रारंभ कर दी जाएगी। काफ़ी उत्साह बना हुआ था, लेकिन काफ़ी दोस्तों निराशा हाथ लगी है। निराशा किस प्रकार से है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन लिस्ट आने से पूर्व जो MP ऑनलाइन बात हुई है उसकी एक रिकॉर्डिंग है, वो आप सुने, और उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि अब कब जारी होगी मेरिट लिस्ट और इसमें किस प्रकार से बताया गया है आयुक्त के द्वारा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले सुने ये कॉल रिकॉर्डिंग। वेट कर रहे, संबंधित पोर्टल दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन अपडेट आ जाएगा। जिस सभी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आता है उसके आज आ जाएगी क्या सर? कभी भी चेक कर लीजिए सर, आज 12 से पहले आप कभी भी आ सकती है, इसके लिए वेट ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कब तक आ जाएगी सर? सर आज कभी भी आ सकती है, इसका कंफर्मेशन नहीं दिया गया है डिपार्टमेंट से। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी। ठीक है सर, आज की डेट दी गई थी 8 तारीख की। जी सर, आज की डेट दी गई है, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है लिस्ट के रिगार्डिंग जानकारी दे दी जाएगी आपको, है ना? अच्छा, आज चांस है सर अभी आने के? हाँ, आज 12 बजे से पहले कभी भी चेक करें, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आता हमसे रिलेटेड में वही जानकारी दी जाएगी आपको, है ना? ठीक है सर। तो दोस्तों, इंतजार था लेकिन एक नोटिस आया है, और उस नोटिस में किस प्रकार से कहा गया है तो वो आप देखें कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल आवश्यक सूचना 8/12/2022 को प्रकाशित की गई है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाने वाली अभ्यर्थियों की सूची अपरिहार्य कारणों से दिनांक 8/12/2022 को जारी नहीं हो पा रही है। सूची अपलोड करने की दिनांक एवं दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया हेतु शीघ्र ही पृथक से सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पोर्टल trc.mponline.gov.in को सतत रूप से देखते रहें। आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जैसा वर्ग 1 और 2 में लेट लतीफ़ी हुई थी, उसी प्रकार की स्थिति वर्ग 3 में यानी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब आगे कब जारी होगी इसके बारे में कोई आगे की डेट निश्चित नहीं की गई है, ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।